तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई पे होटल कैसे बुक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गो आई वीवो ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके ओपन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने का, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने का। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद वेरीफाइबल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारा सर्विस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप बस टिकट, ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट सब कुछ बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है, अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो। होटल बुकिंग में या फ्लाइट बुकिंग में वो काफ़ी सारा डिस्काउंट यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे होटल बुक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर देखिए होटल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना होगा। टैप करके अपना सर्च लोकेशन डालना होगा, आप कौन सा एरिया पे होटल बुक करना चाहते हैं, कौन सा सिटी में। ठीक है, तो यहाँ से हम जिस जगह पे होटल बुक करना चाहते हैं उसी सिटी का हम नाम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मुंबई, मैं मुंबई में होटल बुक करना चाहता हूँ। आप जिस सिटी में बुक करना चाहते हैं उसी सिटी का नाम डाल दीजिए। देखिए जैसे मुंबई डाला, यहाँ पर पूरा मुंबई का लिस्ट आ गया, साउथ ईस्ट नॉर्थ, आपको जो एरिया में लेने का बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, तो कोई भी एक एरिया चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट चूज़ करना होगा, कौन सा डेट से बुकिंग करना चाहते हैं आप, एक दिन के लिए या दो दिन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी दो दिन के लिए बुक करना चाहता हूँ, कोई भी एक डेट को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 18-19 दो नाइट के लिए होटल बुक किया, तो 20 तारीख को मुझे चेकआउट करना पड़ेगा दोपहर से 12 बजे से पहले। ठीक है, उसके बाद आपको रूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको रूम चूज़ करना पड़ेगा, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके कितना रूम लेना चाहते हैं, एक दो। ठीक है, तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ तो एक ही लूँगा। उसके बाद आपका साथ में कोई है तो आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक ही करता हूँ खुद के लिए। उसके बाद अगर आपके साथ कोई चिल्ड्रेन है तो आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने का। उसके बाद सर्च वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जितने भी आपका सिटी में होटल है, जिस सिटी को बुक करना चाहते हो, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। आपका जो भी नज़दीक रहेगा उसको आप चूज़ कर सकते हैं। प्राइस के साथ अलग अलग प्राइस के साथ आ जाएगा, 3-star, 4-star, 5-star होटल आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक का नीचे प्राइस लिखा है, देखिए राइट साइड में। तो ये जो प्राइस लिखा है ये पर नाइट के, अगर दो दिन के लिए बुक कर रहे हो तो यहाँ पर आपका प्राइस जो डबल हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। बहुत सारा सस्ती भी होटल मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक होटल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लेमन ट्री प्रीमियर वाला होटल को बुक करना चाहता हूँ। इसका राइटिंग देखिए 4.1। ठीक है, जो भी राइटिंग आपको एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप जो भी होटल बुक करोगे उसका राइटिंग देखो, कस्टमर का रिव्यू देखो, उसके बाद ही होटल को बुक करो। ठीक है, तो इसका 4.1 राइटिंग है, तो मतलब अच्छा ही है। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर इसके इमेजेस देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर साइड से मैं स्लाइड करेंगे तो आपको काफ़ी सारा होटल का इमेजेस देखने को मिल जाएगा, इमेजेस वीडियो वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे इमेजेस दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे इसका एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइटिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कस्टमर का रिव्यू आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने होटल को बुक किया था। उसके बाद हम सिलेक्ट रूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा, डिलक्स रूम और डिलक्स रूम विथ फ्री ब्रेकफास्ट। अगर आप साथ में ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिलक्स रूम को लेना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा आपको थोड़ा नीचे आने का। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो अप्लाई कर सकते, आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालना टाइप करना होगा। उसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को चूज़ करने का, क्योंकि हम नो कॉस्ट ईएमआई के लिए बुक कर रहे हैं होटल को। ठीक है, उसके बाद पे एंटर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे टोटल पे अमाउंट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं दो तरीके बताऊँगा जिसके थ्रू आप ईएमआई पे टिकट को बुक कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है
पे लेटर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको नीचे आने का, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 0% इंटरेस्ट 45 डेज के लिए आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के अपना चेक माई एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपना एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू KYC करके आपको आसानी से 45 डेज का क्रेडिट मिल जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, 0% इंटरेस्ट के। ठीक है, अभी जो आप लोगों को दूसरे तरीके बताऊंगा उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाने का। उसके बाद सबसे नीचे आपको मिल जाएगा EMI ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गए बजाज फिनसर्व, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आसानी से इस टिकट को EMI पर बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बजाज फिनसर्व के थ्रू टिकट को EMI पर बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल बैंक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे जितना भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और साथ में बजाज फिनसर्व का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से बजाज फिनसर्व के थ्रू टिकट को EMI पे बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर हम बजाज फिनसर्व वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कितना महीने का लेना चाहते हैं EMI पे, 2 महीना या 3 महीना, ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज़ किया 3 महीना। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका राइट साइड में लिखा 0% इंटरेस्ट, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बजाज फिनसर्व का कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम टाइप करना होगा, उसके बाद नीचे पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका बजाज फिनसर्व का जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP आएगा, उस OTP का डालकर सबमिट कर दोगे तो आपका जो होटल बुक हो जाएगा और आपका हर महीने बैंक से आपका EMI कटते जाएगा। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने बजाज फिनसर्व कार्ड नहीं बनाया तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बना सकते हैं, उसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड कैसे बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी वीडियो अलग से बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखकर क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।